माह से निरस्त चल रही आगरा अजमेर इंटरसिटी ट्रेन 25 नवंबर से फिर से शुरू हो रही है। ट्रेन के चलने से आगरा से अजमेर जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। कोविड गाइडलाइन के तहत इस ट्रेन में भी रिजर्वेशन कराकर ही यात्रा की जा सकेगी। आगरा रेल मंडल के PRO एस के श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा फोर्ट अजमेर और अजमेर आगरा फोर्ट स्पेशल सुपर फास्ट एक्सप्रेस 25 नवंबर से दोबारा शुरू हो रही है। ट्रेन आगरा फोर्ट से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर 12:45 पर अजमेर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन अजमेर से दोपहर 2:55 पर चलेगी और रात को 9:40 पर आगरा फोर्ट आएगी। अजमेर इंटरसिटी के अलावा रेलवे ने आगरा को एक और ट्रेन प्रदान की है, जो ग्वालियर बलरामपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन ग्वालियर से 25 नवंबर से हर बुधवार और बलरामपुर से 26 नवंबर से हर गुरुवार को चलेगी। ट्रेन ग्वालियर से चलकर शाम आगरा कैंट पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन बलरामपुर से चलकर तड़के 2:05 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। रेलवे ने 30 नवंबर से नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाने वाली केरला एक्सप्रेस का टाइम बदल दिया है। 30 नवंबर से केरला एक्सप्रेस नई दिल्ली से रात 8:10 पर चलेगी और आगरा कैंट रात 10:20 पर पहुंचेगी। यहां पर इसका 5 मिनट का ठहराव होगा। पहले यह ट्रेन दोपहर में 2:15 पर आगरा कैंट स्टेशन पर आती थी।